जी बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर सभी पार्टिसिपेंट से इसमें आग्रह करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से ही इस पर थोड़ा सा प्रश्नावली अपनी बना करके रखें, इसके मुद्दे को किस तरह से वो बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि हमेशा इंटरेक्शन के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सोशल ऑडिट और जन सुनवाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित रहा है, सरकारी विभागों तक ही। कलेक्टर साहब करते हैं, कमिश्नर साहब करते हैं, एसपी साहब करते हैं, और जो भी अन्य अपने साहब लोग हैं, या जो भी छोटे से लेकर के बड़े कार्यालय तक साहब लोग, जैसे भी आप ब्यूरोक्रेट्स बोले, तो वो करते हैं, सरकार की परंपरा है। लेकिन हम आम आदमी इसको कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से होता है, इस पर जो सबसे जो इसके एक्सपर्ट है, जिन्होंने इस मुद्दे को पूरा एक्चुअली में उठाया, इसको रेज किया है आरटीआई एक्ट लाने में, आप सब इसमें जानते हैं, पिछले बार भी डिस्कशन हुआ था, निखिल डे सर आएंगे। और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि हमारी बीच में आंध्र प्रदेश की आ, आ, मैडम है सौम्या किदाम्बी जी, उनसे भी बात हुई है, यदि वो अपना समय दे पाती हैं तो। इनफैक्ट इस सोशल ऑडिट की जो टीम बनी है, पूरी संस्था बनी थी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से बेहतर ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, यदि वो भी समय दे पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, उनसे चर्चा चल रही है, अपन देखते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा, और भविष्य के टॉपिक के लिए आप लोग अपना सजेशन बिल्कुल ग्रुप में जी, दे सकते आपका हैं। आवाज बहुत कट रहा है, हो सकता है कि नेटवर्क वहां कमजोर हो, तो आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद इससे आवाज अच्छी हो जाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा नेट पैक भी 2 GB का रहता है, वो खत्म हो गया, लेकिन एडिशनल इसमें होगा तो वो काम करेगा निश्चित तौर पे। लेकिन अभी शायद वो अपना अंतिम समय में चल रहा होगा, तो इसलिए जब लास्ट में आपका कोई पैक आता है, खत्म होने को होता है, तो जो बैंडविड्थ होती है वो स्लो हो जाती है, उसकी वजह से होगा। एनी वे नो प्रॉब्लम, अब तो शायद ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमें लगता है कि हाँ, हमें लगता है कि अब इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर विराम देना चाहिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय श्री राहुल सिंह सर शुक्रिया का, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, जो हमेशा सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच में हमेशा आपका मार्गदर्शन बना रहता है, और हमें अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। हमारे बीच में आदमदीप सर, पूर्व सूचना आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश, और श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त महोदय, जो हमारे बीच में थे और वो बीच में चले गए, चूंकि टॉपिक ऐसा था कि शायद वो अपना कुछ समय तक सुने, हमने उनको देखा लगभग आधे घंटे 45 मिनट के आसपास वो सुने, फिर इसके बाद वो चले गए। तो चूंकि उनके पास और भी वो रहता है, अब अगली बार वो ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी बात रख पाएंगे आएंगे, क्योंकि उनसे बहुत हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस संस्था से जुड़े रहे हैं वो एनसीपीआरआई और मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो उनकी पूरी टीम रही है, उसके साथ में निश्चित तौर पर अगला मीटिंग होने वाला है। और साथ में हमारे भास्कर प्रभु सर बीच में आए थे, उन्होंने कुछ प्रश्न आपके चैट बॉक्स में पूछे थे, पर चूंकि वो भी एक ऐसा टॉपिक है हेल्थ केयर, जिसमें लोगों का, हम लोग सब जानते हैं कि ज्यादा कुछ इसमें करते नहीं है, इसलिए चूंकि लोगों को इतनी वो नहीं है, इसलिए इतना कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन सुने, बहुत ही ध्यान से सुने, एक थैंक्स मैसेज दे करके गए थे भास्कर प्रभु सर आपके चैट बॉक्स में, और अब उन्होंने बोला था कि वी हैव टू गो, एंड इट्स वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्कशन गोइंग ऑन, मैंने कहा बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इस प्रकार से हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा जी, डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी, हमारे साथ की आर्टिस्ट रीवा SGMH के, हमारे डॉक्टर संतोष सिंह जी जो चाइल्ड इसी स्पेशलिस्ट, और पीडियाट्रिक सर इसको कैसे बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स जी, इसको चाइल्ड से, हाँ पीडियाट्रिक्स। जी, ये तो आपका टेक्निकल शब्द थोड़ा सा मिस हो जाता है, इसीलिए मैं इसको फिर सीधे सीधे चाइल्ड डिसीज स्पेशलिस्ट इस तरह से बोल देता हूँ। तो आपका बहुत जी 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 सर, धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। ओके सर, थैंक यू। तो हाँ सर प्लीज, एक तो आगे के वेबिनार के लिए एक जनजीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो विषय हो सकता है चर्चा का, खाद्य पदार्थ और उनके ओके सुरक्षा मानक और मिलावट वगैरह के मुद्दे, उनको कवर करता हुआ विषय। सर ठीक है, दूसरा, इसको नोट किया आप जाता है लोगों सर, ने बहुत बिल्कुल अच्छा शुरू किया है आरटीआई हेल्पलाइन, उसमें कुछ लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पे जानना चाहा कि क्या ये हेल्पलाइन शिवानंद जी के माध्यम से चल शुरू हुई है।